बारूद जाने पूरा पता है पठे देखिए वो दही के साथ हम जो मंजा बनाने वाले हैं केले के बीच में जो आता है वो डंडा व्हाइट सा उसको हमने काट दिया है। आप देखे मैंने कैसे काटा उसको, मतलब मम्मी ने। तो इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे ये नमक और इसको अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे और जब हम इसको बनाएंगे तो ये मैरिनेट भी हो गया होगा और इसको हम निचट के रख लेंगे क्योंकि नमक डालने से इसका कालापन नहीं आएगा। तो इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही नमक मिला के रख लेते हैं, बाद में इसको निचट के हम बनाएंगे दही। देखिए इसको हम थोड़ी देर के बाद अच्छे से निचोड़ लेते हैं ऐसे करके और इसको अलग से हम रख लेंगे सारे के सारे निचोड़ के। अभी हमने कढ़ाई बैठा लिए हैं और उसमें डालेंगे तेल और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का दाने यानी राई लाल मिर्च और उसके बाद हम डालेंगे करी पत्ता। अभी डालेंगे ये करी पत्ता, बाद में डालेंगे ये की सारे ये मंजा और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे और थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे और बाद में थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। ये जो मंजा है यानी कि बनाना स्टीम इसको बोलते हैं इंग्लिश में, आपको पता होगा कि बनाना जैसे हम केला काटते हैं इसका पेड़ काट देते हैं और ये पेड़ के अंदर से निकलता है ये स्टीम जो वाइट वाइट कलर का होता है। इसको हम चलाएंगे थोड़ी देर, आप देखते रहिए। अभी ये हो गया है, बस एक से दो मिनट लगता है इसको और इसको हम ऐसे फ्राई करके गैस बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में आगे की रेसिपी के लिए देखते रहिए। इसको हम निकाल के अलग से रखे थे वो अभी तक ठंडा हो चुका है। अभी बाद में हम इसमें डालेंगे दही, दही हम डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है और टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, आप इसको कभी भी बना के खा सकते हैं। और इसको मिलाने के बाद हम हल्का सा शुगर डालेंगे इसमें से और थोड़ा टेस्ट लाने के लिए। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिला देंगे दोबारा और ये आपके बनके रेडी हो चुका है बनाना स्टीम जिसको बोलते हैं उड़िया में कदली मंजा और मंजा। थैंक यू, मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी ज़रूर करना।